Hello everyone, I am Samra Khan and I welcome you all to this YouTube channel MLS The Toppers Factory, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 लीगल मैक्सिम, जिसका आज पार्ट 7th है, जिसमें हम लोग कवर करेंगे फ्रॉम 73rd. सो द फर्स्ट वन इज सबजुडाइज. सबजुडाइज का मतलब क्या हुआ? जैसा कि अंडर जजमेंट, पेंडिंग जजमेंट, वैसा केस या वैसा मैटर कहें जो कि जिस पे अभी कोर्ट से जजमेंट नहीं मिली है, कोर्ट का फैसला नहीं आया है, उसी को हम लोग कहेंगे सब जुडाइस. जैसे कि एक कोर्ट में कोई मैटर चल रहा है तो हम लोग किसी और कोर्ट में जाके फिर से केस फाइल नहीं कर सकते जब तक कि कोर्ट से जजमेंट, कोर्ट का फैसला नहीं आ जाए, हम लोग नहीं कर सकते. सिंपल सी बात है. इसलिए ऐसा किया जाता है कि एक इंसान एक केस कहीं एक डिस्ट्रिक्ट में फाइल करेगा, फिर दूसरे में भी फाइल करेगा कि जहां वाला जजमेंट अच्छा लगेगा उसको यूज करेंगे. तो ऐसा नहीं किया जा सकता. इसको यूज इसलिए कहा जाता है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट को रोकने के लिए यूज किया गया. इंडिया में ऐसे ही बहुत सारे केसेस पेंडिंग है. अब ऐसा लोग करने लग जाएंगे तो बहुत सारे और केसेस बढ़ जाएंगे. तो इसके लिए सब जुडाइस का प्रिंसिपल को यूज किया गया है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग को रोकने के लिए. द नेक्स्ट वन इज अल्ट्रा वायर्स. अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड, वायर्स का मतलब पावर होगा. सो द ऐसा पावर जो कि लीगल अथॉरिटी के पास पावर होता है, एक लिमिटेड पावर होता है, और कोई भी जो अथॉरिटी है या ऑर्गेनाइजेशन है वो उस पावर से एक्सीड नहीं कर सकती. मतलब जितना जिसके पास पावर है उससे वो इंसान आगे नहीं बढ़ सकता. तो ये जो है ज़्यादातर अगर हम लोग यूज़ करें कंपनी लॉ में, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? एग्जाम्पल है कि एक कॉरपोरेट है, वो फंड यूज़ कर रही है जो कि उसके चार्टर में उतना लिमिट है ही नहीं, और उससे ज़्यादा वो यूज़ कर रही है. जैसे कि कोई डायरेक्टर है, उसको 100 करोड़ का लोन चाहिए, लेकिन वो 500 करोड़ का लोन लेता है, तो वो अल्ट्रा वायर्स होगा, वॉइड और नल डिक्लेयर कर दिया जाएगा. यही चीज इसमें कही जा रही है. सपोज करो कि एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि किसी की, एक छोटा सा बच्चा है, उसकी मम्मी ने उसे 100 रुपीज दिया कि जाके चॉकलेट ले आओ 50 रुपीज की, और 50 रुपीज मुझे वापस कर देना. लेकिन वो बच्चा 100 रुपीज की चॉकलेट ले आता है, तो उसकी पावर क्या थी? 50 रुपीज की चॉकलेट लाने की. उसकी मम्मी ने उसको वही अथॉरिटी पावर दी थी कि 50 रुपए की चॉकलेट लेके आओ, लेकिन वो 100 रुपए की ले आता है, तो वो अल्ट्रा वायर्स कर देता, मतलब अपने पावर से ज्यादा यूज करता है अपने पावर को, तो इसको कहेंगे अल्ट्रा वायर्स. यही था. सो द नेक्स्ट वन इज एब एक्स्ट्रा. एब एक्स्ट्रा का मतलब, एब का मतलब फ्रॉम, एक्स्ट्रा का मतलब आउटसाइड. वैसे ही सेम है एक एब इंट्रा. एब का मतलब फ्रॉम, इंट्रा का मतलब इंटरनल विद इन. सो द एब एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड, सिग्निफाई द एक्सटर्नल सोर्स और इन्फ्लुएंस ऑफ अ सिचुएशन. की लीगल टर्म में, लीगल कॉन्टेक्स्ट में, कैसे किसी एक्सटर्नल सोर्स की वजह से पूरा सिचुएशन, सरकमस्टेंस चेंज हो जाता है. सपोज करते हैं जैसे कि कोई थर्ड पार्टी, दो लोगों के बीच में कोई केस चल रहा था, कोई थर्ड पार्टी आके कोई एविडेंस दे देती है, पूरा केस का जो जजमेंट है वो बदल जाता है. तो एब एक्स्ट्रा पर्सन आकर के कुछ कर दिया, आउटसाइड पर्सन चेंज हो गया. ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, थर्ड पर्सन श्योरिटी या गारंटी बन के एक कॉन्ट्रैक्ट में आ गया, तो वो इंसान थर्ड पर्सन हुआ, एब एक्स्ट्रा, फ्रॉम आउटसाइड आया. सो यही चीज है. इसको हम लोग नॉट लीगल कॉन्टेक्स्ट अलग से अगर समझें, एक एग्जांपल है कि मुंबई इज द सिटी विथ एब एक्स्ट्रा पॉपुलेशन, कि मुंबई एक सिटी है जहाँ पे एब एक्स्ट्रा पॉपुलेशन, मतलब कि आउटसाइडर्स लोग आकर के जो पॉपुले रह रहे हैं, तो उसकी वजह से एब एक्स्ट्रा फ्रॉम आउटसाइड पॉपुलेशन है, इस चीज को है. अब द नेक्स्ट वन इज एब इंट्रा. विथ इन मतलब जो इंटरनली है, सो कि कैसे किसी जो इंसान अपने पावर को अपने इंटरनली यूज करे उसके लिए यूज करते. अ कोर्ट और द अथॉरिटी हैज अ एब इंट्रा पावर व्हेन इट्स अ एबिलिटी टू एक्ट और मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द इंटरनल अथॉरिटी. कि उसकी खुद की पावर है, इंटरनल अथॉरिटी को वो यूज कर रहा है, किसी एक्स्ट्रा अप्रूवल की उसे जरूरत ही नहीं है, इसके लिए एब इंट्रा यूज करेंगे. नेक्स्ट वन हैज एक्शियोनस लेगिस. एक्शियोनस जो वर्ड है वो एक्ट से, एक्शन से रिलेटेड है, लेगिस लॉ से है. सो द लॉ सूट के लिए हम लोग यूज करते हैं एक्शियनेबल लेगिस. तो एक्शनेबल लेगिस जो कि लीगल एक्शन और प्रोसीडर को रिफर करते हैं, आउटलाइन द स्टेप इन्वॉल्विंग इन परसुइंग लीगल रेमेडी. की क्या स्टेप लीगल रेमेडी में यूज होगा? सिविल एक्शन में हम क्या देखते हैं कि दो लोगों के बीच में, इंडिविजुअल में कोई डिस्प्यूट है तो वो फाइल करते हैं. तो क्या फाइल करते हैं? एक्शियोनस लेगिस. क्रिमिनल एक्ट में भी वही, कोई पर्सन है जिसने एक्यूज है वो केस, उसको जो फाइल किया जाएगा, तो
अगेंस्ट द स्टेट फाइल किया जाता है, जैसे कि राम कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, तो वर्सेस पर्सन का नेम लगा, उसके साथ ही साथ क्या होगा, स्टेट की बात होगी, स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ राजस्थान, तो ऐसे करते हैं तो वो क्रिमिनल एक्शन में आता। तो एक्शनस लेगिस का मतलब होगा एक्शन ऑफ लॉ या लॉ सूट। उसके बाद से है एक्टस रियस। एक्टस रियस का क्या मतलब होगा, रियस का मतलब होगा गिल्टी, और एक्टस एक्ट करना, तो इसके लिए यूज करते हैं हम लोग एक्टस रियस। उससे पहले हम लोगों ने एक लीगल मैक्सिम पढ़ा था, एक्टस नॉन फेसिटरियम नीसी मेंस एट्रिया, मींस कि क्रिमिनल एक्शन के साथ साथ गिल्टी माइंड होना भी जरूरी है उस इंसान का, मतलब इंटेंशन भी होना जरूरी है, मेंस रिया होना जरूरी है, तभी वो एक ऑफेंस कहलाएगा। तो यहाँ पे एक्टस रियस जो है, जो फिजिकल एक्ट या गिल्टी डीड की बात कर रहा, फिजिकल एक्ट की बात कर रहा है, मतलब कोई काम गिल्टी एक्ट किया, रॉन्गफुल एक्ट किया, उसके लिए हम लोग एक्टस रियस यूज करते हैं। और मेंस रिया में मेंस मतलब माइंड यूज कर सकते हैं, मेंटल, और रियस मतलब कि गिल्टी, कि माइंड भी गिल्टी होना, इंटेंशन होना के लिए मेंस रिया। तो हम लोग यूज कैसे करते हैं कि कोई भी क्राइम को, क्रिमिनल ऑफेंस को करने के लिए एक्टस रियस और मेंस रिया दोनों होना जरूरी है, मतलब एक्टस रियस प्लस मेंस रिया इज इक्वल टू क्रिमिनल ऑफेंस, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक्टस रियस प्लस मेंस रिया। उसके बाद सो द नेक्स्ट वन इज एड यूंडम। एड यूंडम का मतलब होता है, एड का मतलब टू हो गया, और यूंडम का मतलब टू द सेम, द सेम, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कि जो चीज इक्वल हो, सेम हो, इंडिकेटिंग इंडिविजुअल और एंटिटी एट अ सेम लेवल, इसके लिए यूज करेंगे। उसके बाद से है नेक्स्ट है एड इन्फिनिटम। इन्फिनिटम, एट का मतलब टू हो गया, इन्फिनिटम वर्ड किससे रिलेटेड है, इन्फिनिटी वर्ड से रिलेटेड है ना, जिसका कोई लिमिट नहीं हो, कोई अंत नहीं हो, अनंत हो, फॉर एवर हो, उसके लिए हम लोग एड इन्फिनिटम यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है एड लोकम। एड का मतलब क्या होगा, टू, लोकम का मतलब लोकल या प्लेस यूज कर सकते हैं ना, तो इसके लिए यूज होगा टू द प्लेस, एट द प्लेस, या इन रेफरेंस टू द प्लेस, जिस चीज के लिए यूज करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे एड एड लोकम। सो किसी लोकेशन या प्लेस के लिए यही हम लोग यूज करते हैं, जूरिसडिक्शन में भी, लीगल कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज करेंगे, क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट को हम लोग किसी स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड प्लेस के लिए बताना होगा ना, उसके लिए। जैसे एग्जाम्पल से अच्छे से हम लोग इसको समझते हैं, यहाँ पे कह रहा है एड लोकम कॉन्ट्रैक्टस। एड लोकम कॉन्ट्रैक्टस का मतलब क्या होता है, जहां पे कि कॉन्ट्रैक्ट बना, जैसे कि दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली में हुआ, तो हम लोग बोलेंगे एड लोकम कॉन्ट्रैक्टस एट दिल्ली, या एक राजस्थान में एक पार्टी ए राजस्थान की थी और पार्टी बी दिल्ली की थी, तो इन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो हम लोग बता रहे हैं एड लोकम लोकम कॉन्ट्रैक्टस बिटवीन राजस्थान एंड दिल्ली, इस टाइप से। या एड लोकम डेलिक्टी, डेलिक्टी में क्या होगा, एड लोकम डेलिक्टी, जैसे कि वो जगह जहां पे टॉर्ट या कोई भी रॉन्गफुल एक्ट हुआ, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे एड लोकम डेलिक्टी। ऐसे हम लोग इसको यूज करते किसी पार्टिकुलर प्लेस को इंडिकेट करने के लिए, लोकेशन साइट बताने के लिए। यहाँ पे दे रखा है एड लोकम मीन्स टू द प्लेस और स्पेसिफाई या स्पेसिफिक लोकेशन और साइट। उसके बाद नेक्स्ट है एफिडेविट। एफिडेविट क्या होता है कि एक रिटन स्टेटमेंट कहें, या स्वर्न डिक्लेरेशन कहें, या वॉलेंटरली विलफुल अपनी मर्जी से एक ओथ को डिक्लेयर करेंगे ना, उसको कहेंगे। वो जो डॉक्यूमेंट होगा वो बाद में हम लोग लीगल मतलब एविडेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं। एफिडेविट तो हर किसी ने सुना होगा ये चीज, और फोटो ऐसा दिखने में होता है। सो एक सिंपल वर्ड में बोले तो एक स्वर्ण रिटन डॉक्यूमेंट जो होगी वही कहलाती है एफिडेविट, गवाही के तौर पे बाद में यूज किया जा सकता है। सो एन एफिडेविट इज अ रिटन स्टेटमेंट स्वर्न टू बी ट्रू अंडर ओथ, ऐसा कहा गया है कि एक रिटन स्टेटमेंट होगी जो कि अंडर ओथ स्वर्न की जाएगी, और डिक्लेरेशन ऑफ फैक्ट यूज एज अ एविडेंस। और इस जो एफिडेविट में लिखा हुआ जो फैक्ट रहेगा ना, पॉइंट सारे रहेंगे, वो हम लोग लीगल प्रोसीडिंग में एज अ एविडेंस यूज कर सकते हैं, यही चीज। और जो पर्सन, जो इंसान एफिडेविट बनाता है उसको एफिएंट बोलते हैं। तो यही था पूरा इसमें कि एफिडेविट का मतलब क्या है, और हमने कवर किया आज फ्रॉम 73 to 82 लीगल मैक्सिम्स, और बाकी के जो लीगल मैक्सिम्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
फ्रॉम 82 टू 100 लीगल मैक्सिम्स। सो आज के लिए इतना ही।